हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा एचबीएक्स के बारे में। एचबीएक्स को हॉर्नबिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब टाटा ने ऑटो एक्सपो में इसे शो किया था, इसके कंसेप्ट को शो किया था, उस टाइम पर इसे हॉर्नबिल के नाम से शो किया गया था। अब देखना यह है कि कार जब लॉन्च होगी तो इसका नाम क्या रखा जाएगा। अभी तक इसका सिर्फ कंसेप्ट डिस्प्ले हुआ है, कंसेप्ट के बेसिस पर यह वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से इसे रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। ऑलमोस्ट 2 सालों से इसकी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन टाटा अपनी इस कार को एक बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में उतारना चाह रही है। जैसे कि इन्होंने लास्ट ईयर ऑल्ट्रोज को उतारा था, वैसे ही एचबीएक्स को उतारा जाएगा। ये जो है टाटा एचबीएक्स सेकंड ऑफिशियल प्रोडक्ट है, बेस्ड ऑन टाटा अल्फा आर प्लेटफॉर्म। फर्स्ट प्रोडक्ट था इनका ऑल्ट्रोज, सेकेंड प्रोडक्ट है ये टाटा एचबीएक्स जो है एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी से छोटी है और हैचबैक से थोड़ी सी बड़ी है। तो इसके अगर हम कंपटीशन की बात करें तो ये डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी महिंद्रा केयूवी, मारुति सुजुकी इग्निस जैसी गाड़ियों से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर टाटा हैरियर जैसा एक्सटीरियर देखने को मिलता है। फ्रंट्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट DRLs जो हैं वो मेरे को काफ़ी हद तक टाटा हैरियर के रिमाइंड कराते हैं। DRLs और हेडलैम्प यूनिट बिल्कुल सेम मिलेंगी आपको ऐसे ही। इसके अलावा जो फ्रंट ग्रिल है वो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन जैसी देखने को मिलेगी। ट्राई एरो थीम यहाँ पर भी प्रोवाइड की गई है। डिज़ाइन वाइज अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन में एक मेरे को काफ़ी हद तक सिमिलर लग रही है टाटा नेक्सॉन के जैसी, हालाँकि उससे काफ़ी ये छोटी होगी साइज़ के अकॉर्डिंग, बट जो इसका कंसेप्ट है वो टाटा नेक्सॉन से उठाया गया है। कंसेप्ट जो इसका है लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पर ही बिल्ड करी गई है ये। सेफ्टी वाइज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, मैं सेफ्टी के बारे में बताता हूँ इसकी। तो इसके अंदर आपको फ्रंट में डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट, सीट बेल्ट वार्निंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल भी इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है और साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पर मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दो मेन क्वेश्चंस जो उठते हैं वो होते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी और ये कार कब तक लॉन्च होगी। तो टाटा ने बता दिया है, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो नवंबर 2021 तक टाटा एचबीएक्स को मार्केट में लॉन्च कर देंगे। और जो आप देख सकते हैं इसका HBX का कंसेप्ट और जो प्रोडक्शन वेरिएंट है दोनों कितने ज़्यादा सिमिलर लगते हैं देखने में। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं रहने वाली है, 4.5 लाख से लेके 7.5 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। बाकी तो जब कार लॉन्च होगी जब ही इसकी ऑफिशियल प्राइस रिवील करेगी टाटा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया कि 4.5 से और 7.5 लाख रुपीस के बीच में इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक्सटीरियर से तो कार काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है हैरियर और टाटा नेक्सॉन की तरह, लेकिन इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल ही नया इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। इंटीरियर में भी ट्राई एरो थीम मेंटेन की गई है, लेकिन जो इंटीरियर के अंदर जितने भी आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो भी आपको कलर थीम देखने को मिलेगी वो बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से प्लेसमेंट होगी चीज़ों की वो भी नहीं मिलेगी। इंटीरियर में बस कमी यहाँ पर एक रहेगी, वो है इसका स्पेस। कार थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है, तो इसके अंदर स्पेस की आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। स्टीरियो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी बाय हरमन का जो टाटा की हर कार में आपको अब देखने को मिलता है, वही सेम साउंड सिस्टम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। टर्बोचार्ज इंजन का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कार को डीजल और पेट्रोल दोनों ही वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, 5-speed के मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी ये कार। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ।